नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हो हमारा YouTube चैनल जितेंद्र मशीनरी कंपनी और मैं हूं आपका होस्ट मनमीत सिंह। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक ऐसा बिजनेस आइडिया जिसे आप अपने घर से आसानी से शुरू करके काफ़ी मुनाफा कमा सकते हो। पेपर लाइन से रिलेटेड ये बिजनेस है, काफ़ी डिमांड रहता है इसका। कहीं पर भी शुरू करो, चाहे इसे गाँव में शुरू करो, चाहे इसे अपने शहर में शुरू करो, सभी जगह काफ़ी डिमांड रहती है। तो चलिए जानते हैं ये बिज़नेस क्या है, क्या इसमें मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, कैसे इसकी मार्केटिंग करनी है और क्या इसका फाइनल प्रोडक्ट रेडी होता है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों, आज का जो ये हमारा बिजनेस आइडिया है, ये है नोटबुक रजिस्टर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के बारे में, यानी कि कॉपी किताब बनाने का बिजनेस। दोस्तों, आज जो हम बिज़नेस देखेंगे, इसमें हम नोटबुक, रजिस्टर, डायरी सब कुछ बनाने के बारे में देखेंगे। क्या क्या इसका प्रोसेस होता है, कैसे इसकी मैन्युफैक्चरिंग की जाती है, क्या इसमें प्रॉफिट मार्जिन आता है और कैसे इसकी मार्केटिंग की जाती है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं बताता हूँ कि इसका रॉ मटेरियल क्या क्या है, कैसे नोटबुक तैयार होती है। तो चलिए दोस्तों, ये देखते हैं कि ये है हमारी नोटबुक। मार्केट में ऐसे की नोटबुक हमारे पास काफ़ी मिल जाती है, अंदर सिंगल लाइन है, डबल लाइन है, मैथ वाली लाइन है, सारी आपकी मतलब ऐसे की नोटबुक मिल जाएगी। तो ये नोटबुक जो है, सबसे पहले हमें इसमें दो रॉ मटेरियल्स का रिक्वायरमेंट होता है। एक होता है फ्रंट टाइटल, ये जिसे हम टाइटल पेज कहते हैं, और एक होता है अंदर वाला पेपर जिस पे हम लिखते हैं। इसके अंदर अभी अब आपने इंडेक्स डालना हो तो वो भी आप डाल सकते हो, तो वो सारी आपकी कस्टमाइजेशन है। तो ये है हमारी नोटबुक। इसके लिए हमारे दो रॉ मटेरियल चाहिए, एक बाहर वाला टाइटल और एक अंदर वाला पेपर, और एक जिसको पिन करने के लिए पिन आपको चाहिए इसका। तो ये देखिए आपका टाइटल जो आता है इसमें, ये होता है नोटबुक का टाइटल। ये दो दो कॉपी का सेट तैयार होता है आपका, मतलब दो कॉपी का टाइटल मिलेगा, कई बार आपको चार का भी मिल सकता है। जैसे ये आपका अंदर भी प्रिंटिंग हुआ है सारा, आपको मतलब जैसे कि अंदर वन कलर प्रिंटिंग चाहिए वो भी मिल जाएगा, टू कलर चाहिए वो भी मिल जाएगा। सारा इसमें जैसे शेड्यूल आपका जो भी लिखना है वो सारा आप प्रिंट करवा सकते हो, वो सारा आप पे डिपेंड है। उसके बाद अगर आप फ्रंट पे अपना नाम छपवाना चाहते हो, कोई भी जैसे ये स्कूल में लिखा है, आप कोई भी नाम और छपवाना चाहते हो आप वो भी छाप सकते हो। उसके बाद आपका एंड पे एड्रेस है, MRP है, जैसे इसमें 25-35 लिखी है, ये सारी डिपेंड करती है पेजेस के हिसाब से, किस क्वालिटी का आप पेज यूज़ करोगे, किस क्वालिटी की आप इसका टाइटल यूज़ करोगे और कैसे आप इस कितने नंबर ऑफ पेजेस आप इसमें डालोगे, उसी पे डिपेंड करता है सारी आपकी MRP जो आपने पीछे डिसाइड करके लिखनी होती है। और पीछे आप साथ में अपना लिख सकते हो एड्रेस, जहाँ से आप अपना मैन्युफैक्चरिंग वगैरह, और ऐसे का ही अगर आपने स्कूल से टाइप करना हो, स्कूल वगैरह को बना के देना हो, तो वो भी आप उनका नाम छाप कर तो उनको भी बना के दे सकते हो। तो ये तो था हमारा पहला प्रोडक्ट टाइटल, जिसे हम कहते हैं, ये है नोटबुक का टाइटल। और सेकंड हमारा आता है अंदर वाला पेपर। दोस्तों, ये जैसे पेपर है, टाइटल मैंने आपको दिखाया था दो कॉपी का सेट, और ये आपका पेपर है, ये आपका चार कॉपी का सेट भी आता है और दो का भी आता है। तो जो हमारे पास अभी रेडी है, ये आपका चार कॉपी का सेट है, जैसे ये चार कॉपी आप देख सकते हो, 1, 2, 3 और 4। तो इसका मैं सीधा सा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस समझा देता हूँ कैसे होता है। जैसे चार कॉपी का टाइटल है, आप इसे पहले कट करके टू में कन्वर्ट करोगे, कट कर सकते हो या फोल्ड कर सकते हो। टू में कन्वर्ट करने के बाद फिर इसको डबल वाला जो टाइटल है वो इसके ऊपर रखोगे, जितने भी आपने पेजेस काउंट करने हैं वो सारे काउंट करके अंदर रख सकते हो। उसके बाद ये आपने ऊपर रखना है और फाइनल में इसके ऊपर पिन लगाना है। पिन लगाने के बाद आपकी कॉपी फोल्ड होगी, ऐसे फोल्ड हो जाएगा सारा। फोल्ड होने के बाद एंड में आपका पीछे से बैक स्क्वायर होगा, आपने जैसे स्क्वेयरिंग कॉपी देखी होगी पीछे से स्क्वायर होता है, जैसे ये कॉपी है ये पूरा स्क्वायर हुआ हुआ, और ये आपकी राउंड कॉपी होगी। पिन लगने के बाद, स्क्वायर करने के बाद हमारा एंड में आता है कटिंग का काम। जैसे हमारा वेस्ट पेपर इधर से बाहर आया, इधर से बाहर आया, इधर से आया, और इसको हाफ में कट करके दो कॉपी रेडी हो जाता है। तो ये है बेसिक प्रोसेस, जो हमारी नोटबुक ऐसे की जो तैयार होती है उसका प्रोसेस। तो इसमें हमने एंड में अगर पैकिंग वगैरह करनी हो तो वो भी हम कर सकते हैं, वो ऑप्शनल है। जैसे हमारे पास ये अभी रेडी पड़ी है, जैसे ये तीन नोटबुक को हमने श्रिंक रैप किया हुआ, लैमिनेशन वाली रैपिंग की हुई है, ये सारी अगर आपने करनी हो तो ये भी आप कर सकते हो, ये ऑप्शनल काम है। तो हम थे यहाँ पे कि जैसे पेपर पे थे, रॉ मटेरियल पे। तो ये जो पेपर है, पेपर आपका अलग अलग GSM के हिसाब से अलग अलग रेट के हिसाब से आता है। ये आपका जैसे 58 GSM का पेपर है,
ऐसे क्या जो पेपर आपका 58 का आता है, 60 का आता है, 65 का आता है, 75 का आता है, ये सारा पेपर जो है आपको मान के चलो कि 60 रुपये से लेकर 70-80 रुपये तक अच्छी क्वालिटी का मिल जाता है। अगर आपको क्लासमेट का चाहिए हो, जैसे ये हमारे पास क्लासमेट की नोटबुक है अभी, अगर आपको क्लासमेट का चाहिए हो, जैसे इसने अभी इंडेक्स भी लगाया अंदर, तो इंडेक्स भी आप लगा सकते हो अंदर। तो ये सारा पेपर, ये भी इसका सारा 58-70 के आसपास है पेपर इसका GSM। तो ये सारा आपको चाहिए तो ऐसे का भी मिल जाता है। जैसे की क्वालिटी आप रखना चाहते हो वो सारा आप पे डिपेंड है। जो मशीनें हैं, मशीनों ने आपने जैसे का पेपर डालोगे वैसे की कॉपी बना के निकाल देनी। मशीनों की सिर्फ एक्यूरेसी देखी जाती है पिनिंग की, उसके बाद स्क्वेयरिंग की, जो पीछे स्क्वेयर होगा, उसके बाद कटिंग की फिनिशिंग, ये चीज़ें मशीनों की एक्यूरेसी होता है। बाकी नोटबुक कैसे का बनेगा, पेपर कैसे का होगा, वो सारा डिपेंड करता है कैसे का रॉ मटेरियल यूज़ करोगे। तो जैसे हमने अभी देखा कि ये हमारा तैयार हो गया, पेपर आ गया, उसके बाद हमारा ये टाइटल आ गया, टाइटल पेपर, इनको हमने स्टिच किया। स्टिचिंग करने के लिए हमारी नोटबुक स्टिचिंग मशीन होती है, उसमें हमने पेपर और टाइटल को सीधा ऐसे रख के, तो यहाँ पे सेंटर में हमने देख के, जैसे हम सेमी ऑटो की बात करें तो आज हम सेमी ऑटो का डिस्कस कर लेते हैं। सेमी ऑटो जो स्टिचिंग होता है उसमें मोटर लगा होता है, उसमें हमने सिर्फ पैडल प्रेस करना है, उसने ऑटोमेटिकली पिन लगाते चले जाना। तो ये जैसे हम देखेंगे थे कि जैसे पिन लग गया, पिन लगने के बाद आपका जैसे जहाँ पे भी हम मशीन में रख के आगे आगे धकेलते जाएंगे वो पिन लगते जाएंगे। वीडियो में आप देख सकते हो कि पिन लगने कैसे, कितना आसान काम है। पिन लगने के बाद हमने कॉपी ऐसा फोल्ड करना है, फोल्ड किया, फोल्ड करने के बाद हमारी कॉपी राउंड शेप रहती है पीछे से। इसको ऐसे का स्क्वायर करने के लिए हमारी नोटबुक एज स्क्वायरिंग मशीन लगता है। तो ये भी फुली हाइड्रोलिक मशीन होता है, ऑटोमेटिक आता है। इसमें हमने सिर्फ कॉपी ऐसे रख देनी है अंदर करके, 10-12 कॉपी जितनी भी आएगी मशीन के अंदर वो हमने रख देनी है। इसने ऑटोमेटिकली दबाकर प्रेसिंग करके कॉपी को अच्छे से स्क्वायरिंग कर देना। ये दाब प्रेस का काम नहीं, एक आती हमारी मैनुअल मशीन जिसमें जिसे हम दाब प्रेस कहते हैं। तो दाब प्रेस जो होता है उसने सिर्फ फोल्ड को अच्छे से फोल्ड कर देना, उसने स्क्वायरिंग वाला काम कुछ नहीं करना। दाब प्रेस का कंसेप्ट ही अलग है और स्क्वायरिंग का कंसेप्ट ही अलग है। कई लोग कहते हैं कि दाब प्रेस भी स्क्वायरिंग का काम करता है, वो काम वैसा कुछ नहीं होता। तो ये सिर्फ आपका मतलब दाब प्रेस भी उसका अलग काम है और स्क्वायरिंग का भी आपका अलग काम है। तो ये हम इसमें स्क्वायरिंग करेंगे मशीनों के अंदर नोटबुक रख के, तो ये आपका पूरा स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायरिंग के बाद हमारा एंड में काम आता है कटिंग का। अब कटिंग भी हमारे पास आती है सेमी ऑटो, मैनुअल, फुली ऑटो, जैसे का आपका डिमांड हुआ वैसे का ले सकते हो। तो ये सारा डिपेंड करता है आपकी कटिंग का कि कितना आपका बजट है, उस हिसाब से आप कटिंग मशीन यूज़ कर सकते हो। तो अभी हम जैसे सेमी ऑटो कटिंग का वीडियो देख लेते हैं। तो सेमी ऑटो कटिंग में आपका होता है कि जैसे आपने कट करना है, तो उसमें आपका होता है कि मोटर लगा होता है, सारी 3 मोटर है। कटिंग का भी मैं आपको एक, वैसे तो वीडियो में आप देख लोगे, बाकी फिर भी आपको मैं समझा देता हूँ कैसे कटिंग होता है। जैसे मान के चलो मैंने ये फ्रंट साइड कट करना है, ये फ्रंट साइड कट करना है, तो पीछे से दाब होती है मशीन के अंदर, वहाँ पे हमने लगा के सेट करके, तो ऊपर से पहले दाब आती है, दाब ने प्रेस करना है कॉपी को सारा। प्रेस करने के बाद नाइफ आता है, उसने आकर यहाँ से सारा कट कर देना। जैसे कि आप साइज सेट करोगे उस हिसाब से उसने कटिंग कर देना। तो हमें सिर्फ कॉपी टर्न करनी है, टर्न करके अंदर लगानी है, उसने ऑटोमेटिकली कटिंग कर देना। मोटर लगा होता है, बटन दब कर प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिकली कटिंग होगा। ईजी काम है, कोई मुश्किल काम नहीं, हर कोई आसानी से कर सकता है। ट्रेनिंग की भी आपको कोई ज़रूरत नहीं है, जब भी आप आओगे हमारे इधर विजिट करोगे तो हम आपको खुद दिखा देंगे, आपको खुद लगेगा कि ये बहुत ही आसान काम है, कोई मुश्किल काम नहीं है। तो उसके बाद हमारा कटिंग हो गया, कटिंग के बाद हमारा ऐसे का कॉपी तैयार हो गया। जैसे ये कॉपी था तो ये अभी ऐसे के कॉपी तैयार हो गए सारे, जैसे जितने भी पेजेस के आपने रखने हैं वो सारे आपके तैयार हो जाएंगे। जैसे छोटे छोटे पेजेस के हमने थोड़े थोड़े पेजेस के बनाए हैं, अभी ये सारे कॉपी या पीछे से भी आप देख सकते हो सारी क्वालिटीज़ की फिनिशिंग आई कटिंग की। तो ये सारी मतलब जैसे कि आप मटेरियल डालोगे वैसे का कॉपी आपका सारा तैयार होगा। तो ये तो हमारी नोटबुक बन गई। अब जैसे मैंने पहले भी बताया था कि हमने अगर पैकिंग वगैरह करनी हो, मार्केट में सेल करनी हो, तो हमारे दिखने को अच्छी लगे, तो उसके लिए हमारे पास आती है श्रिंक रैपिंग मशीन, नोटबुक श्रिंक रैपिंग मशीन। तो ये है उससे की गई रैपिंग, श्रिंक रैपिंग मशीन से। हमने जैसे मान के चलो ये नोटबुक को हमने श्रिंक रैप करना, ये जो हमने तैयार की है 4 कॉपीज है, इनको श्रिंक रैप करना। श्रिंक रैप करने के लिए हमने इसके ऊपर पन्नी चढ़ा के मशीन के अंदर रख देना। मशीन ने ऑटोमेटिकली इसको कट भी करना है पन्नी को। पन्नी को कट करने के बाद इसको गर्म हीटर से प्लास्टिक को श्रिंक करना है। श्रिंक करने के बाद ये पूरा ऐसे चिपक जाता है साथ में, प्लास्टिक जो है पूरा साथ में चिपक जाता है और इसका रैपिंग हो जाता है। इसका ये प्लस पॉइंट होता है कि कल को आप मार्केट में सप्लाई करते हो तो सबसे पहली बात तो जो है होलसेलर
और जो स्कूल है वो ऐसे की पैकिंग को प्रेफर करते हैं कि ऐसे का मटेरियल हमारे पास पड़ा हो तो उसको कभी सैलाब नहीं आता, कभी इसको कुछ होता नहीं पेपर को, जितनी देर मर्जी पढ़ा रहे। तो ऐसे का जो पेपर नोटबुक होती है उनको लोग ज़्यादा स्टॉक में रखना पसंद करते हैं। ऐसे अगर नॉर्मल कॉपी देते हो तो वो आपका मतलब स्टॉक में रखना पसंद नहीं करते। तो इस वजह से ये पैकिंग मशीन लगा हो तो ये मतलब चाहे खर्चा कम है पर प्रॉफिट ज़्यादा दे देता है क्योंकि ये सेल आउट जल्दी हो जाता है। उसके बाद जैसे हमने देखा ये सारा प्रोसेस था, कैसे नोटबुक बना, क्या इसमें मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस लगा, इसमें हम लेबर की बात करें लेबर भी 2 से 3 आदमी काफ़ी है, शुरू में ज़्यादा लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये सारा प्रोसेस था नोटबुक मैन्युफैक्चरिंग का। मैनुअल से लेकर ऑटोमेटिक तक हमारे पास 7-8 मॉडल आते हैं, जैसे का भी आप लगाना चाहो इन्वेस्टमेंट वैसे का आपको मिल जाएगा। बाकी ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारे फ़ोन नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हम आपको इसकी सारी जानकारी देंगे और गाइडेंस चाहिए हो तो वो भी मिलेंगे। तो चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट आते हैं इसके प्रॉफिट के बारे में और मार्केटिंग के बारे में। सबसे पहले इसका प्रॉफिट जान लेते हैं। जैसे ये मैं कॉपी पकड़ता हूँ, ये तो है मतलब किसी ने छपवाया है अपना 15, 25 और 35, 3 MRP छपवाई है उसने, 15, 25 और 35। ये सारा उसने डिमांड किया अपने पेजेस के हिसाब से, अगर कम पेजेस में डालना उसने वो सारा अपनी मार्केट के हिसाब से सर्वे करेगा कि उसके उधर जो लोकल एरिया है वहाँ मार्केट में 15 रुपये वाली कॉपी में कितने पेजेस आते हैं, किस क्वालिटी का पेपर होता है, उस हिसाब से वो सारे उन्होंने MRP रखवाए होते हैं और उसी हिसाब से वो काम करते हैं। तो आपका अगर हम 15 रुपये की कॉपी मानते हैं, नॉर्मल जो हम मार्केट में देखते हैं कितने की चलती है सारी, 15 की जो कॉपी है वो सारी आपको 100 से 150 पेजेस के अंदर आते हैं, वो बना के सारी आपको 6 से 7.5 रुपये के 6 से 7 रुपये के आसपास पड़ेगा, लेबर, इलेक्ट्रिसिटी, पेपर, टाइटल और पिन जो लगी है इसके सारे कॉस्टिंग डाल के 6, 6.5, 7, इससे ज़्यादा कॉस्टिंग नहीं पड़ेगा। तो ये जो कॉपी है आपका 50% जो है आपका हम मान के चलते जितना MRP लिखा है उससे 50% मार्जिन में रेडी हो रही है। रेडी होने के बाद यही कॉपी आपकी होलसेल के अंदर 9 to 10 रुपीस में जाएगी, 9 to 10 रुपीस में जाएगी, आपको 15 रुपये वाली कॉपी के पीछे 3 से 4 रुपये का प्रॉफिट आराम से आ रहा है। तो 3 से 4 आया तो उसके बाद आपका होलसेलर ने है उसने भी 3 से 4 प्रॉफिट रख के आगे रिटेल में सेल करना है। तो ये सिंपल सा प्रोसेस होता है कैसे नोटबुक बनता है, कैसे सेल होता है, क्या इसमें प्रॉफिट होता है, सिंपल सा कोई है, कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। तो उसके बाद हम आते हैं इसके ऊपर कि ये हम मार्केटिंग कैसे करें। मार्केटिंग के इसके 2 तरीके होते हैं, एक आप स्कूल से टाई अप करो, स्कूल जो जितने भी स्कूल हैं उनको नोटबुक बना के दो, वो सारा अपना नाम वगैरह प्रिंट करवाते हैं ऊपर, पीछे भी अपना नाम वगैरह सारा मतलब वो स्कूल का काम होता है। तो स्कूल में भी एक ये प्लस पॉइंट होता है, कई स्कूल वालों की जो कॉपी होती है उसके पीछे जो कॉपी बनाने वाला होता है वो भी अपना नाम लिख देता है, उससे ये होता है कि जिस स्कूल की कॉपी होती है वो अगली बार और कोई स्कूल वाला हो वो उसी सप्लायर को कॉन्टैक्ट करके उसी मैन्युफैक्चरर से कॉपी बनवाता है। एक तो ये प्लस पॉइंट हो गया, और दूसरा आप अपने होलसेलर जितने भी हैं शहर में, सिटी में, कस्बे में या आपके गांव में, तो उन होलसेलर से कॉन्टैक्ट करो, वो भी कहीं ना कहीं से माल लेके आ रहे हैं दूसरे शहर से, दूर किसी से, इसके यूनिट अभी काफ़ी कम लगे, इतने ज़्यादा यूनिट नहीं है, तो कहीं से भी माल लेके आते हैं तो आपको सिर्फ उनको सप्लाई करना है। वो 2-3 रुपये मार्जिन पे खेल रहे होंगे, आपको 1 रुपया सस्ता भी उनसे दे दोगे तो आपका इजीली प्रोडक्ट सेल हो जाएगा। मार्केटिंग इतना ही है, कोई मुश्किल काम नहीं है। बाकी ये देखो कि अपने आपके उधर मार्केट में किस तरह का पेपर यूज़ हो रहा है और आप उसी तरह का स्टार्टिंग में यूज़ करो। ज़्यादा अच्छी क्वालिटी भी लेके चलोगे तो मार्केट में कोई खरीदेगा नहीं, ज़्यादा लो भी लेके चलोगे तो तब भी मार्केट में नहीं खरीदेगा। अगर स्टार्टिंग करनी है तो स्टार्टिंग में उस तरह का पेपर यूज़ करो जो आपके मार्केट में रेगुलर चल रहा है, तो आपका प्रोडक्ट जो है ईजिली सेल आउट हो जाएगा, आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो धीरे धीरे जैसे आपकी स्टार्टिंग हो रही है तो आप धीरे धीरे अपनी क्वालिटी अप या माइनस कर सकते हो, वो मार्केटिंग के हिसाब से। बाकी कोई मुश्किल काम नहीं है, आसान से आप शुरू कर सकते हो। घर में आपका 200 से 300 स्क्वायर फीट भी एरिया हो तो तब भी शुरू कर सकते हो। 3 से 4 मशीनों का सेटअप होता है, 3 से 4 मशीनों में आप आराम से इसका पूरा यूनिट लगा सकते हो। तो ये था सारा प्रोसेस नोटबुक मैन्युफैक्चरिंग के बारे में, कैसे नोटबुक तैयार होती है, कैसे इसमें प्रॉफिट मार्जिन आते हैं, कैसे मार्केटिंग की जाती है, ये सारी चीज़ें थी नोटबुक के रिलेटेड। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नई नई वीडियोस देखने के लिए हमारे बेल और नोटिफिकेशन को प्रेस करें और हमारे रोज़ अपडेट देखते रहें। तो ये था हमारे नोटबुक के रिगार्डिंग। अभी नोटबुक में ऑटोमेटिक मशीन,
मैनुअल मशीन, सेमी ऑटोमेटिक मशीन के रिगार्डिंग और जानकारी भी हम देते रहेंगे। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ साथ में और तरह के बिजनेस आइडियाज़ देखने के लिए भी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम नए नए बिजनेस आइडियाज़ आपके पास लाते रहेंगे जिनसे आपको जैसे का भी बिजनेस अच्छा लगे आप वैसे का शुरू कर सकते हो। और ये भी बता दें कि अगर आपको कोई बिजनेस आइडिया अच्छा लगता है जो हमने अभी कवर नहीं किया तो वो भी ज़रूर बताएं, हम उसके ऊपर भी सर्च करके सारी आपको वीडियो देंगे, कैसे काम होता है, कैसे प्रॉफिट होता है, आपको जो भी किसी चीज़ की डिमांड है हम उसके ऊपर वर्क ज़रूर करेंगे और आपको उस बिज़नेस की जानकारी ज़रूर देंगे। तो धन्यवाद, वीडियो ख़त्म करते हैं। तो और जानकारी के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबर्स पे कॉन्टैक्ट करें, कोई भी दिक्कत आए तो जब मर्जी हमें कॉल करें, हम आपको उसी वक्त रिस्पॉन्स करेंगे। तो चलिए ख़त्म करते हैं इस वीडियो को, धन्यवाद।